के फर्स्ट पेपर 101 का कंटेंट है मॉडर्नाइजेशन और शिक्षा के आधुनिकीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है या आधुनिकीकरण क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले ये समझना होगा कि आधुनिकीकरण क्या है। आधुनिकीकरण वैसे तो शब्द से ही समझ में आ रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। आधुनिकीकरण जो एक ऐसी सरल प्रक्रिया है जो आपको निरंतर देखने को मिलती है अपने समाज में, समुदाय में, संस्था में, या किसी व्यक्ति में या उसके मूल्यों में, जो निरंतर विचारों का, दृष्टिकोणों का, संरचनाओं का, संगठनों का निरंतर जो हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वही एक आधुनिकीकरण है, चाहे वे किसी भी समाज में हो। ये निरंतर जो प्रक्रिया में परिवर्तन होते रहते हैं और उन्हें हम समय के साथ साथ अपने विचारों में ग्रहण करते रहते हैं, वह आधुनिकीकरण होता है। तो आधुनिकीकरण से ये कह सकते हैं कि ये तात्पर्य है, लेकिन कुछ विद्वानों ने भी कह रखा है कि आधुनिकीकरण को एक प्रक्रिया मानते हुए ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो आधुनिकीकरण उस प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं की ओर परिवर्तन की प्रक्रिया है जो कि 19वीं शताब्दी से या 17वीं शताब्दी से लेकर के पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका या 20वीं शताब्दी तक दक्षिण अमेरिका, एशिया व अफ्रीका देशों में विकसित हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ दूसरे देशों से इन सब चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे ये तात्पर्य है कि आधुनिकीकरण जो प्रक्रिया है वह किसी भी क्षेत्र, समुदाय, संस्था, व्यक्ति, समाज में होती है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी विशेष क्षेत्र में हो, क्योंकि जैसे कि हमने सामाजिक परिवर्तन पढ़ा था, गतिशीलता पढ़ी थी, स्थिरीकरण पढ़ा था, वैसे ही आधुनिकीकरण इन सभी चीज़ों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो प्रतिदिन हमारे समाज में, संस्था में और समुदाय में परिवर्तन हो रहे हैं और उनको हम किस तरह अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि हम किस तरह उनको अपने जीवन में ले रहे हैं, ढाल रहे हैं और चिंतन मनन के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, वो एक विशेष योग्यता है कि हम उस चीज़ को अपने जीवन में किस तरह से ला रहे हैं। अगर हम उस चीज़ को अपने जीवन में ला रहे हैं और उसको अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ, सामाजिक जीवन के साथ साथ कोरिलेट करते हुए पढ़ रहे हैं, तो वे एक आधुनिकीकरण का ही रूप है। तो आधुनिकीकरण का जो तात्पर्य है वह परंपरागत समाजों में होने वाले परिवर्तनों से भी है, जिसमें हम कई शिक्षाविदों की परिभाषा अगर पढ़ें तो हमें देखने को मिलता है। हालपर्न के अनुसार उन्होंने आधुनिकीकरण को परिभाषित किया है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि इसके अंतर्गत उन सभी पहलुओं जैसे राजनीतिक रूपांतरण से संबंधित हो, या इसके अंतर्गत वह सभी पहलू जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक आदि का रूपांतरण किया जाता है जिसे व्यक्ति अपने समाज के निर्माण में प्रयोग करता है। तो इन्होंने भी, या इनकी भी परिभाषा में हमें यही देखने को मिलता है कि किसी भी समाज, संस्था, समुदाय या व्यक्ति के जीवन में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक ऐसे कई प्रकार के पहलू हैं जो व्यक्ति के जीवन में कई बड़े बड़े बदलाव लाते हैं। तो इनका बदलना या इनका ही रूपांतरण होना आधुनिकीकरण कहलाता है। इसी तरह से हम अगर आगे देखें कि आधुनिकीकरण में जो उच्च स्तर की शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं या उसमें कई आवश्यक गुणों को स्वयं भी विकसित किया जाता है, तो उसमें कौन कौन से गुण होंगे जिन पे हमें बात रखनी होगी। तो ये है कि हम किसी संस्था की बात करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि हमें वो नियम पालन करना होता है, उन चीज़ों का हमें अपने जीवन में उपयोग करते हुए उन चीज़ों का पालन करना होता है, जैसे समय पे आना हो गया,
कठोर परिश्रम करना हो गया, वैज्ञानिक ढंग से कार्य करना हुआ, स्वच्छता, ईमानदारी और निरंतरता के साथ साथ दक्षता को भी ग्रहण करना हुआ, नई वस्तुओं, परिस्थितियों तथा वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने का दृष्टिकोण रखना कि हमारे विचारों के अनुसार या नई परिस्थितियों के अनुसार हम किसी भी विषय वस्तु को किस रूप में समझ रहे हैं, इसको हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है हमारा नियमों के प्रति आदर भाव रखना, ये क्या रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं और उसको हम किस तरह से अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं या हम उसका उल्लंघन कर रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। आज्ञाकारिता, समझौता करने की कुशलता होना और मधुर मानवीय संबंध रखना, इन सभी चीज़ों को एक संस्था के रूप में अगर हम देखें या हम कह सकते हैं कि कैसे विद्यालय के रूप में अगर हम प्रयोग करें आधुनिकीकरण को, तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। ये सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, यहाँ तक कि अगर हम इसे शिक्षक के लिए भी कहें तो ये गलत नहीं होगा कि शिक्षक के लिए भी इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे एक परिभाषा दी गई है लर्नर के अनुसार, आधुनिकीकरण एक ऐसा व्याकुल रचनात्मक चेतना या डिस्क्वाइटिंग स्प्रिट है जो व्यापक जन समूह, सार्वजनिक संस्थाएं या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं तक व्यापक है। तो यहाँ पे भी एक समूह की बात की गई है, जन समूह की बात की गई है और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की भी बात की गई है और सार्वजनिक संस्थाओं की भी बात की गई है। तो ये कोई छोटा समूह नहीं है, या हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक ऐसे संस्था पर प्रयोग करने के लिए नहीं कह रहे हैं जहाँ पर किसी की रचनात्मक चेतना का विकास ना हो। और इसमें मुख्य तत्वों को भी ध्यान में रखा गया है, जिसमें पहला है अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता की मात्रा का समुचित विकास करना, फिर है विभिन्न प्रकार के साधनों व विकल्पों के चुनने में प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व का होना, संस्कृति में धर्मनिरपेक्ष व तार्किक मापदंडों का होना, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होना। इन चार पांच बातों पे हमने ध्यान दिया है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नए विचारों की स्वीकृति, नई पद्धति का प्रयोग, अपना मत देने के लिए तैयार रहना। नए विचारों की स्वीकृति आधुनिकीकरण में, जब हम आधुनिकीकरण का किसी भी क्षेत्र में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे नए विचार जरूर निकल के आते हैं। उसकी पद्धति होती है कि उस पद्धति के अनुसार हम किस तरह से प्रयोग करेंगे। अपना मत देने के लिए अपने विचारों का जो दृष्टिकोण है उसको रखना आना चाहिए। समय बोध के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। पूर्व की अपेक्षा जो वर्तमान में अधिक बल देने वाला हो या भविष्य में रुचि रखने वाला ऐसा विषय वस्तु हो। संसार के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाना आना चाहिए। विज्ञान व तकनीकी की आस्था होनी चाहिए। सामान्य न्याय प्राप्ति में आस्था होनी चाहिए। अब हम यह बात करते हैं आधुनिकीकरण की विशेषता, मॉडर्नाइजेशन की क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें निम्न विशेषता दी गई है, इसमें पहला है औद्योगिकीकरण और नगरीकरण। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण से हमारा यहाँ पे ये तात्पर्य है, क्योंकि आधुनिकीकरण की अगर हम बात करें तो वो हर क्षेत्र में हो रही है, किसी एक क्षेत्र में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री एरिया हो चाहे नगर का एरिया हो, नगरीकरण हो, तो वहाँ पे हमें किन किन बातों को ध्यान देना होता है, वहाँ की गतिशीलता कैसी है, वैज्ञानिक प्रगति कैसी है, संचार के माध्यम कैसे हैं, ग्रामों से लोग नगरों की ओर पलायन ना करें बल्कि जो ग्राम है उसमें ही ऐसी व्यवस्था की जाए कि वे आधुनिक तकनीकी की ओर बढ़ावा दें और नगरों को एक ऐसी तकनीकी का विकास मिले जिससे वे स्वयं में ही सक्षम हों। उसी तरह से हम बात करते हैं आधुनिक समाज की, अगर बात करें तो आधुनिक समाज में हमें औद्योगिकरण पे भी विशेष महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि औद्योगिकरण जो हमारा एक शब्द है वो एक शब्द ही नहीं है, वह समाज में जो युवा वर्ग हैं, जो बेरोजगार हैं या जो पढ़े लिखे हैं शिक्षित वर्ग है उनको रोजगार देने के सुलभ अवसर प्रदान करता है, वो औद्योगिकरण के द्वारा ही
संभव हो पाता है। तो अगर हम इस बात पे ध्यान दें तो हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। फिर दूसरा है साक्षरता। वर्तमान में जो साक्षरता दर है वो पूर्व की साक्षरता दर से बहुत अच्छी रही है और अच्छी होती जा रही है, क्योंकि पूर्व में शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन आज हर व्यक्ति, हर घर का व्यक्ति पढ़ना चाहता है, पढ़ाना चाहता है और अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो हम यहाँ पे साक्षरता दर पर अगर बात करें तो वो भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। नेक्स्ट है गतिशीलता, मोबिलिटी। आधुनिक समाज में अगर गतिशीलता की बात करें तो गतिशीलता, जैसे कि हमने पढ़ा भी है, तो गतिशीलता किस तरह से आती है और गतिशीलता का समाज के साथ साथ आधुनिकीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वह सामाजिक सांस्कृतिक रूप में हो या भौतिक साधनों के रूप में हो या फिर औद्योगिक केंद्रों के रूप में हो। गतिशीलता ने अपना पूर्ण योगदान आधुनिकीकरण में दिया है। कौशलों के विकास में भी उसका एक महत्वपूर्ण है योग्यता है, व्यक्तिगत योग्यता भी वह रखती है। और आधुनिकीकरण समाज के लोगों के दृष्टिकोण, मानसिक प्रवृत्ति में भी परिवर्तन करती है। नेक्स्ट है हमारा विवेकशीलता या तर्कशीलता कह सकते हैं, कि तार्किक आधार पर हम आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को किस तरह से वृद्धि कर सकते हैं। तो विवेकीकरण का तात्पर्य ये है कि सावधानी या सतर्कता पूर्वक विचार करके लक्ष्यों और प्राप्ति के साधन का निश्चय करना। परंपरा यदि भाग्य पर भरोसा करती तो आधुनिकीकरण विवेक पर आधारित नहीं होते। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो मनुष्य की वृद्धि है, वह कर्तव्य है, उसको महत्व देना चाहिए और पर्यावरण के आधार पर नियंत्रण कर जीवन की सुख सुविधाओं को प्रगतिवान बनाना चाहिए। यही हमारी विवेकशीलता का परिचालक है। फिर जन सहभागिता की बात करें कि जन सहभागिता का आधुनिकीकरण में क्या योगदान है, तो यहाँ पे यह महत्वपूर्ण योगदान है कि जन सहभागिता के द्वारा ही हम बहुत से कठिन कार्यों को आसानी से कर पाते हैं। और जब हमारे पास ज़्यादा समूह या ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो हर कार्य को हम अच्छे प्रकार से कर पाते हैं, अच्छे ढंग से कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं और कार्य हमारा जल्दी हो भी जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विभेदीकरण का या प्राविधिक कुशलता का। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मनुष्य में जो प्राविधिक कुशलता है, योग्यता का विकास आधुनिकीकरण का एक दूसरा मुख्य स्रोत है। वो नई नई व्यवसायिक प्रशासनिक भूमिका का विकास होता है, जिसमें स्कूल, विद्यालय, चिकित्सालय, नौकरशाही संस्थाओं का उदय इसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर रुचि योग्यता के अनुसार नवीनताओं का चुनाव करने की स्वतंत्रता दी होती है। और मानवीय संसाधन की कुशलताओं की बात करें यहाँ पे हम, तो हमें ये देखने को मिलता है कि मानवीय कुशलताओं में हम जिस तरह से मानवीय संबंधों के अभिव्यक्ति की बात करते हैं, उसी तरह से हम नैतिकता, मूल्यों और प्रकार विशेषता, रोग व्यवस्था के आधार पर कारण, आधुनिकीकरण, शक्ति, शोध, यंत्र आदि में भी हम अपने कार्यों को सुलभ बनाने के लिए इन सभी का विकास करते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो तार्किक दृष्टिकोण से हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिकारी तंत्र का विकास। अधिकारी तंत्र का विकास ऐसा होना चाहिए जो कई छोटे संगठनों से होता है, जिसमें कार्य करने वाले लोग पद भूमिका स्पष्ट रूप से निश्चित व परिभाषित करते हैं, चाहे वह विभाजन श्रेणीबद्ध हो, चाहे वह क्रमबद्ध हो, चाहे ऊंचा से नीचे हो। ये विभाजन की जो प्रक्रिया है वो आधारित तंत्र के अनुसार ही होनी चाहिए। और इसका विकास करने पे हमें ये लाभ होता है कि व्यक्ति अव्यक्तिक उद्देश्यों की प्राप्ति का कार्य करते हैं और कार्य के स्थान पर जो संबंधित वस्तु हैं, व्यय या आय का साधन है,
वह व्यक्ति के निजी मूल्य हैं, वस्तु हैं, उससे संबंध होता चला जाता है, जिससे आधुनिकीकरण की जटिलता, संगठनों की स्थापना होती है और केंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है। भावात्मक जो संबंध होते हैं वो मजबूत होते जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एकाकी परिवार, जो कि आपको पता भी है इस बारे में कि एकाकी परिवार का आधुनिकीकरण में भी विकास होना चाहिए, चाहे वह एकाकी हो चाहे संयुक्त हो। तो आधुनिक समाज में विस्तृत या संयुक्त परिवार के स्थान पर ऐसे परिवार का विकास हो जाता है जिसमें पति पत्नी और उनकी संतान रहती है। उनके परिवार पैतृक परिवार का प्रभाव नहीं रहता है, ये स्वतंत्र रूप से अपने पारिवारिक जीवन की व्यवस्था करते हैं। आधुनिक समाज में परिवार के कार्य सीमित हो जाते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक व्यवस्था कि आधुनिकीकरण में आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक विकास के लिए समाचार पत्र, रेडियो आदि संचार के अनेक साधनों के विकास से विचारों का आदान प्रदान होता है। आधुनिकीकरण में कार्य कुशलता, क्षमता, मानवीय शक्ति के उपयोग का महत्व रहता है। आर्थिक उन्नति और जीवन स्तर का विकास आधुनिकीकरण के केंद्रीय तत्व माने जाते हैं। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि आधुनिकीकरण का जो हमारा महत्व है वो हमें हर क्षेत्र, समुदाय, संस्था में देखने को मिलता है और प्रत्यक्ष रूप से हम इसका अपने जीवन में प्रयोग भी करते हैं, पालन भी करते हैं। और आधुनिकीकरण का शिक्षा में भी ऐसे ही महत्वपूर्ण योगदान है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इसमें आधुनिकीकरण के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव होते रहते हैं, जिसका विद्यार्थी के जीवन में, विद्यार्थी के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हुए अगर हम तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या नवीनीकरण हो रहा है, चाहे वह शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हो या तकनीकी के क्षेत्र में हो या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो, ये विद्यार्थी को इसका ज्ञान होना चाहिए। तो आधुनिकीकरण का जो महत्व है वह सभी क्षेत्रों में है, सिर्फ एक ही किसी विशिष्ट क्षेत्र को हम नहीं ले सकते हैं। तो आधुनिकीकरण एक ऐसा व्यापक विषय है जिस पे हमने अभी चर्चा की है और आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।